मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मार्केट्स में जो आज बाउंस बैक आ गया है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छी बात है। आई थिंक काफी दिन की बिकवाली के बाद आज आपको बाइंग सपोर्ट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि अभी बहुत ही जल्द Q2 के नतीजे आएंगे। मार्केट्स ये नतीजों को बहुत क्लोजली वॉच करेगा और मुझे लग रहा है कि जहां पे भी नतीजों का सीजन अच्छा रहेगा वहां पे आपको ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। इंडेक्स पे मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा बाउंस शायद और भी कल आपको देखने को मिले और ये आज के कंटिन्यूशन के हो सकता है। होपफुली हमको लग रहा है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और टिपिकली जो लोकल फंड्स है यहाँ पे अगर ज्यादा खरीदारी होती है तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप दोनों में अच्छी बाउंस देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंक्स, ऑटो, ऑटो कंपोनेंट्स, रियल एस्टेट, ये सारे सेक्टर्स में काफी ऊपरी लेवल से पिटाई हुई थी तो यहाँ पे बाउंस होने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए, वहीं पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी। इनफैक्ट अगर लंबी अवधि की बात करें तो देखिए हमको एक रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पसंद है जो कलकत्ता बेस्ड है। कंपनी का नाम है आयरिस क्लोदिंग लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली 2004 में स्वाति इनकॉर्पोरेट हुई थी और अभी डोरेमी नाम के ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। करीबन 26 स्टेट में ये काम करती है, 150 डिस्ट्रीब्यूटर है और अभी इन्होंने डिस्नी के साथ एक बहुत बड़ा करार किया है। इनफैक्ट डिस्नी का जो भी कार्टून कैरेक्टर्स है वो उनके टी शर्ट्स पे और गारमेंट्स पे लगा दी जाएंगे और उनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं कि ये डिस्नी का जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंपनी के पिछले साल नतीजे भी देखे तो ठीक ठाक थे, करीबन 115 करोड़ का रेवेन्यू, उसके ऊपर 9.5 करोड़ का प्रॉफिट आया था। पहले क्वार्टर की बात करें तो 20-21% का एबिटा मार्जिन आ चुका है, करीबन 3 करोड़ का प्रॉफिट है। मैनेजमेंट कमेंट्री काफी स्ट्रांग है, हमारा अनुमान है कि कम से कम 14 से 15 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा और उसके बाद FY25 के लिए करीबन 20-22 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया लग रही है और अभी तो कंपनी एक्सक्लूसिव आउटलेट्स भी बनाने की बात कर रही है, कम से कम 4 या 5 आउटलेट वो इस साल करंटली लॉन्च करेगी। तो ये सारा देखते हुए मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो कम से कम 20-25% अगले 2 साल के लिए आएगी, तो करीबन 105, 106 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे 12 से 15 महीने की अवधि के लिए खरीदना चाहिए। कंपनी का नाम स्वाति आयरिस क्लोदिंग लिमिटेड है और टारगेट प्राइस 105 से 106। देखिए मुझे लग रहा है कि ओल्टाज एक काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है एयर कंडीशनिंग मार्केट में और जिस प्रकार का सीजन अभी हो चुका है मेरे ख्याल से एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 6 to 12 months अगर इनका नजरिया है तो कम से कम 950-960 रुपए का टारगेट प्राइस इनिशियली लग रहा है। कंपनी इन्होंने काफी अच्छी चुनी है, मेरे ख्याल से मार्केट शेयर भी ओल्टास का काफी डोमिनेंट है, ऑर्डर बुक भी काफी अच्छे है, बोथ डोमेस्टिक मार्केट्स में भी टेलवेंड्स काफी अच्छे हैं। तो 950-960 का लेवल एक बार आता है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर दे वही राइट टाइम होगा इनको प्रॉफिट कमाने के। स्वाति मुझे लग रहा है बहुत ही बेहतरीन लेवल पे इन्होंने एंटर किया है और यही इक्विटी की पावर होती है कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलते हैं, तो 10 गुना पैसा ऑलरेडी हो चुका है। मेरे ख्याल से देखिए कम से कम अपना कैपिटल जो इन्होंने लगाया है वो निकाल दीजिए और अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है तो मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक वेल एस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर प्लेयर है। हालांकि सॉफ्टवेयर कंपनीज में अभी थोड़ी सी चैलेंजेस चल रही है लेकिन उन्होंने अपने नंबर्स काफी अच्छे प्रेजेंट किए, तो अगले 12-15 महीने में अगर ये होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1050-1100 का लेवल डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। तो थोड़ा सा एक मुनाफा कमा ले, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर ले और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 12-15 महीने के लिए होल्ड करने, यही राय रही। स्वाति मुझे लग रहा है कि देखिए इनका जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा काफी छोटा है, 3 महीने में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी रेटिंग होगी। हालांकि देखिए इस महीने के जो वॉल्यूम डेटा नंबर्स आ गए वो IEX के लिए काफी पॉजिटिव है, करीबन 11% वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड किया था। बट मेरा मानना है अगर ये 6 से 8 महीने का नजरिया लेते हैं तो मेरे ख्याल से 165-175 का एक मीडियम टर्म टारगेट मिल सकता है क्योंकि प्राइस अभी 133 है, इनकी बाइंग प्राइस 170 है। तो मैं इनको राय दूंगा कि अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज भी करें लेकिन 165-175 नेक्स्ट 3 to 6 months में पॉसिबल लगता है। बिल्कुल, ये निवेशक ने भी बहुत ही अच्छे एंट्री प्राइस पे IRFC में एंट्री की है और काफी बड़ी क्वांटिटी है। मैं इनको यही कहूंगा कि देखिए नियर टर्म में तो स्टॉक ऑलरेडी बहुत सिग्निफिकेंटली भाग चुका है और हमको लग रहा है कि जो नियर टर्म का टारगेट प्राइस हमको दिख रहा है वो करीबन 80 से 85 रुपया है, लेकिन आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी ली है तो कम से कम 20-25% प्रॉफिट को जो है वो बुक कर लीजिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड कर लीजिए क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि निवेशक प्रॉफिट बुक करना थोड़ा सा समझते नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी का मुनाफा लेने के बाद जो बैलेंस क्वांटिटी बचेगी वो कम से कम 12-15 महीना होल्ड करिए, करीबन 80-85 का फर्स्ट टारगेट बनता है।
देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, इन्होंने 68 में खरीदा है, अभी प्राइस 131-132 है। देखिए टेक्समैको रेल ज्यादातर वैगन मैन्युफैक्चरिंग में है और वैगन मैन्युफैक्चरिंग का जो फ्लेवर स्पेशली रेलवे थीम से जुड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से अगले 12 महीने की अगर आउटलुक देखें तो बहुत ही स्ट्रांग आउटलुक टेक्समैको का दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हो सके तो यहाँ पे 165-170 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो वहां पे होल्ड करे। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्राइस लिया है तो इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छी है, तो 165-170 ओवर द नेक्स्ट 12-15 मंथ्स यहाँ पे होल्ड करने की राय। देखिएगा यहाँ पे भी हमने देखा है कि सरकारी बैंक्स में बहुत स्ट्रांग फ्लेवर मार्केट ने पकड़ा है और बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स भी अच्छे थे। करीबन मुझे लग रहा है कि 130-135 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो करीबन इस लेवल से भी अच्छी खासी अपसाइड परसेंटेज टर्म्स में आपको मिलेगी। तो नजरिया 12-15 महीने का रखिए और 130-135 का टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कि पीएनबी इन्होंने बैंक तो काफी अच्छा चुना है, लेकिन थोड़े से ऊपरी लेवल पे इन्होंने शेयर खरीदे हैं। मेरे ख्याल में अगर 6 से 8 महीने का नजरिया है तो 105-110 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि Q2 के नतीजे काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि Q1 के नतीजे बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत नंबर्स अच्छे थे, और जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम है पीएनबी को भी फायदा होना चाहिए। तो 105-110 का टारगेट के लिए अगले 6 से 8 महीने के लिए ये होल्ड करें। कि पहले दो शेयर जो इन्होंने लिए हैं वो बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म पिक्स है। अगर हम RVNL की बात करें तो देखिए ये भी रेलवे इंफ्रा थीम वाला स्टॉक है। IRFC की अभी हमने आपको बात की कि इंडियन रेलवेज को फाइनेंसिंग में काफी मदद करता है, करीबन 30-40% जो रेलवे कैपेक्स होता है वो IRFC फाइनेंस करता है। तो दोनों शेयर्स में लंबी अवधि के लिए यहाँ पे वो पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। सुजलॉन की बात करें तो मुझे पता नहीं कौन से प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है, लेकिन सुजलॉन में हमको लग रहा है कि नियर टर्म का जो फेयर वैल्यू और टारगेट प्राइस रहेगा वो 34-35 रहेगा। उसके बाद आपको Q2 के नंबर्स इवेल्युएट करने पड़ेंगे, क्योंकि ₹5 से शेयर करीबन ₹30 पहुंचा है। तो ऐसे पेनी स्टॉक जब बढ़ते हैं तभी आपको थोड़ा चौकन्ना होना चाहिए। तो पहले दो शेयर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। सुजलॉन एनर्जी में मुझे लग रहा है कि 35 के ऊपर अगर उनको भाव मिलता है तो एक बार मुनाफा वसूल कर। इनफैक्ट वैल्यू क्विक मैंने पहले आपको बताई थी, ये पोजिशनल 8 से 10 दिन के लिए। पहले जो कंपनी हमने आपको बताई आयरिस क्लोजिंग, वो एक एक्चुअली 12 महीने के लिए है, वो वैल्यू पिक रहेगी। अभी जो पोजिशनल पिक है वो हमको SBI पसंद है। SBI करीबन 593 का रेट चल रहा है, हमको लग रहा है कि अगले 8 से 10 दिन के लिए आपको कम से कम ₹610 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। यहाँ पे 585 का आप स्टॉप लॉस रखिए। सो 8 से 10 दिन के लिए SBI पोजिशनल पिक फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 डेज।